आखिर महिला इस देश में कब सुरक्षित होगी और कब खुली सांस लेगी, यह सवाल आज हम इसी समाज से पूछ रहे हैं, क्योंकि महिला अत्याचार, शोषण और छेड़खानी के मामलों में कुछ भी कमी नहीं देखी जा रही। हालांकि दिन ब दिन यह मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामले में महिला का पीछा कर छेड़खानी करने वाले मनचले युवक को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 48 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी टिमकी निवासी विजय गुलाबराव गुरव बताया गया। महिला के अनुसार पिछले एक वर्ष से विजय उसे परेशान कर रहा था। मॉर्निंग वॉक पर जाते समय उसका पीछा करता था, अभद्र टिप्पणी करके छेड़खानी करता था। काफी समय से महिला उसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन विजय की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। रिश्तेदारों ने विजय को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद उसने पीछा करना बंद कर दिया। सोमवार की सुबह महिला वॉक पर निकली तो विजय ने बीच सड़क पर उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तहसील पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पर है कि अपना गांधी बाग इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक महिला निकलती है, ऐसे एक महिला जा रही थी। एक आदमी था कि वो उनको देख के टॉन मारता था, ये करता था, उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी उनके गत चालू ही थे, उनके हर दिन जाती थी। तभी उनको लगा, उसने खुद समझाया भी, लेकिन आज भी जब वो आदमी उनको टॉन्ट मारने लगा, कोई गलत बात बोलने लगा, तभी उसने उनके खिलाफ कंप्लेन की। और जो आरोपी है विजय गुलाबराव गुरव, 30 साल का आदमी है, रोड में को ताबे में लिया और अटक किया है। उनकी कोई पहचान नहीं, आरोपी टेंपो में निकले बोलता है, लेकिन उनका टेंपो में कोई घर नहीं, जो घर है उनका गिरा हुआ दिख रहा। वो कभी फुटपाथ पे सोता है, कभी जा जगह में निवास होता है, उनका पहला कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वो एक महिला पे टिक्का टिप्पणी करता है, टॉन मारता है। एक वो महिला का बोलना है कि एक साल पहले भी वो ऐसा बोला था, कभी कभी रास्ते में मिलता था, ऐसा टॉन करता था, वो सुबह सुबह गांधी बाग की तरफ आता है, इसलिए शायद वो एक हैबिचुअल होगा। लेकिन कोई महिला उनके सामने आई नहीं। आज तुरंत वो महिला आई, हमने गुना दाखिल कर लिया और वो आरोपी को वो भी हमने अटक कर ली। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे, नागपुर।